हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संतुलित समीकरण को हल करेंगे काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में। और आज की वीडियो में काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में हम समीकरण हल करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा भी समीकरण हो, हार्ड हो या हल्का हो, सभी को हल करने के लिए सीख जाओगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो दोस्तों, हमारा पहले संतुलित समीकरण को हल करने से पहले मुझे कुछ समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, एक तरफ आपको होता है LHS, यानी कि आप बोलते हो लेफ्ट हैंड साइड, और एक तरफ होता है कि RHS, जिसको आप लोग बोलते हो राइट हैंड साइड, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोस्तों आप ये समझें, ये दोनों के बीच में कॉमन होता है। अब ये समझें, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होता है उसको हम क्रिया कारक भी कह सकते हैं, ना क्रिया कारक भी कह सकते हैं, और एक बात और अभिकारक भी कहेंगे उसको। लेफ्ट हैंड साइड को अभिकारक और क्रिया कारक भी कह सकते हैं। और बात करते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं, तो इसे जो है उत्पाद भी कह सकते हैं, और बात करें तो इसको जो है प्रोडक्ट कह सकते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट। और एक और होता है क्रियाफल, है ना। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्रियाकारक अभिकारक, और राइट हैंड साइड की तरफ उत्पाद, प्रोडक्ट और क्रियाफल। दोस्तों अब ये समझे, इसके बीच में जो होते हैं हमारा, इसके बीच में वो कॉमन होते हैं, यानी कि अब मैं बताऊँगा कॉमन क्या होता है। जैसे LHS की तरफ अगर आप 10 माने हैं या 10 से गुना करें, तो इधर भी आपका 10 होनी चाहिए, ठीक है। इधर आप जितना लें, इधर दोनों बराबर, यानी कि कॉमन मतलब दोनों बराबर, किसी तरफ लूज ना हो, दोनों तरफ जो है बराबर हो। तो चलिए पहला एक समीकरण को लेकर हल करेंगे। आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में आपको कैसी लगी है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी इंप्रेस कर देना। चलिए मैं फर्स्ट समीकरण को लेकर करता हूँ आपको हल संतुलित समीकरण को। तो चलिए, तो ये रहा फर्स्ट समीकरण H2+O2, एरो का निशान है ना यहाँ पर, जैसा बराबर लिखा गया एरो, 2H2 को, यानी कि कॉमन। अब दोस्तों इसको कैसे हम हल करेंगे, यही संतुलित करने के लिए काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। दोस्तों अब ये समझें, मैंने अभी आपको क्या बताया, RHS और LHS और RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको कैसे हम हल करेंगे। H हमारा क्या है, पहले ये समझें, ये हमारा एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये दोनों जो है एक ग्रुप में है। तो देखिए, H हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, और ऑक्सीजन कितना हमारा, ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये हमारा अलग ग्रुप में है, तो इसको अलग ग्रुप में मानिए, ये भी अलग ग्रुप में है, इसको भी अलग ग्रुप में मानिए। अब बात करते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि RHS, और इसको जो है मानिए आप LHS। तो इसकी क्रिया हो गई है, आप देखिए एच, यानी कि ये जो है हमारा है, ये एक ग्रुप में है, H2O जो है हमारा एक ग्रुप में है। तो देखिए एच हमारा कितना, एच का मान हमारा 2 है, और जो ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन का मान कितना हमारा, ऑक्सीजन 1 है, और ये जो है एक ग्रुप में है, इसलिए इसको जो है एक ग्रुप में लेंगे, है ना, एक ग्रुप में लेंगे इसको। और ये जो अलग अलग था, अब देखिए दोस्तों ये बैलेंस कैसे होगा, दोनों तरफ बराबर कैसे होगा। देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब देखिए यहीं पर आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको जो है 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से ये भी एक ग्रुप है, ये भी 2 ग्रुप है, ये जो 2 केवल जो है ये ग्रुप है, तो ये इससे भी गुना होगा और ये इससे भी गुना होगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और इसे 2 × 1 = 2। तो ये देखिए अब मिलाइए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, बिल्कुल गलत है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो देखिए आप 2 × 4, अब मिलाइए आप, हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ भी कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। तो इस तरह के समीकरण जो है हल होता है। अब देखिए किस पर मान रखे हैं, एच पर मान रखे हैं, यानी कि H2 है, एच कितना है, 2 है, तो इस पर जो है 2 से गुना किए, तो यहाँ पर आप जो है 2 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन पर नहीं किए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। देखिए अब उसके बाद H2O, यानी कि ये जो है एक ग्रुप में है, तो ये एक ग्रुप में H2O 2 मैंने माना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो है हल हो चुका है, और ये समीकरण ही हमारा हल हुआ है, ये समीकरण पूरी तरीके से हल हो गया। अब देखिए इधर भी इतना ही बराबर रहेगा, इधर भी उतना रहेगा, किसी तरफ घटेगा नहीं, इधर जितना है उधर भी इतना ही रहेगा। देखिए 2H2O, यानी कि 2H है, तो यहाँ पर देखिए 2H है, तो यहाँ भी देखिए ये मिलाइए, सिंपल है ना, तो बराबर रहेगा। ये देखिए ये O कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 जो दिए हैं, ये O की तरफ भी है, H की तरफ भी है, यानी कि एक ग्रुप है, तो O भी कितना है, 2 है। तो इसी तरीके से संतुलित समीकरण होता है। दूसरा समीकरण लेकर हल करता है आपको, समीकरण दूसरा है, इसको हल करेंगे संतुलित समीकरण को। देखिए इस तरफ हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इस तरफ हमारा क्या हो गया, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे, पहले N हमारा कितना है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन कितना हमारा, 2 है, तो ये एक अलग समूह में है और ये भी एक अलग समूह में है। अभी समूह में आते हैं, ये एक जो है ये एक समूह में मिला हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन भी
वन है, तो ये एक समूह में दोनों दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद देखिए आप नाइट्रोजन कितना है, दो है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, वन है, यानी कि मिलना पड़ेगा यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर रहना चाहिए, इधर भी उतना तो इधर भी उतना। ऑक्सीजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक है, तो देखिए इसको दो से गुना करिए, दो इकाई दो, दो इकाई दो, तो ये एक ग्रुप में था तो इससे भी गुना किए, इससे भी गुना किए। अब देखिए नाइट्रोजन कितना हुआ, दो था, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन कितना गया, दो आ गया, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अब किस पर मैंने मान रखा था, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में दो दीजिए, अब देखिए ये बराबर हो गया है ना, एन नाइट्रोजन कितना है, दो है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, दो है, तो यह देखिए हमारा नाइट्रोजन भी दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, ये हमारा संतुलित कॉमन होकर बराबर आ जाता है। इसी तरीके से आप हल कीजिए, देखिए आप तीसरा क्या कहता है, समीकरण थ्री है, ठीक है, तो इसको हल करेंगे दोस्तों। देखिए अब क्या कहता है, पहले तीन गो जो है थोड़ा सा हल्का हल्का लिए हैं, फिर चौथा लेंगे थोड़ा सा हार्ड लेंगे, लेकिन वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सी प्लस ओ टू यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू है, और एरो सी ओ यानी कि ये जो है हमारा एल एच एस है, और ये हमारा आर एच एस है, यानी कि राइट हैंड साइड है दोस्तों, ये जानते होंगे आप। ये अलग अलग समूह है, ये कार्बन अलग समूह है, ऑक्सीजन अलग समूह है, ये दोनों एक समूह में है ना, है ना दोस्तों। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो मान रखना पड़ेगा, पेन जो थोड़ा है जो चेंज हो गया पेन, अब जो है जरा सा जो है कन्फ्यूज ना होना। देखिए कार्बन हमारा कितना है, कार्बन वन है, ऑक्सीजन कितना हमारा दो है, तो दोस्तों ये अलग समूह में है, इसको अलग कर लेंगे। अब आते हैं राइट हैंड साइड की ओर, तो ये देखिए कार्बन हमारा कितना है, वन है, ऑक्सीजन भी वन है, ये दोनों एक समूह में है, तो एक समूह में हम इसको घेर देंगे। अब देखिए कार्बन कितना हमारा, वन है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन कितना है, इसमें दो है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, वन है, यानी कि मैच नहीं कर रहा। इसको दो से गुना करेंगे हम, यानी कि इस समूह को हम दो से गुना करेंगे, तो दो इकाई दो हो जाएगा, और इसको भी इससे गुना करेंगे, दो इकाई दो, क्योंकि एक ही समूह में है, दोनों से गुना करेंगे, है ना। तो अब मिलाइए कार्बन कितना है, एक है, कार्बन अब यहाँ पर दो हो गया, और ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ये ऑक्सीजन मैच हुआ है। अब देखिए दोस्तों कार्बन दो हो गया यहाँ पर, और कार्बन यहाँ पर एक है, तो इसको भी दो से आप गुना करिए, तो दो इकाई दो हो जाएगा, तो कार्बन यहाँ पर भी दो हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो हो गया, यानी कि कार्बन दो, ये भी दो, और ये भी दो, ऑक्सीजन भी दो, और ऑक्सीजन भी दो, तो ये दोनों बराबर हो गया, इधर भी बराबर, दोनों तरफ एक भी ना ही कम है ना एक ज़्यादा है। अब देखिए किस पर मैंने गुना किए हैं, तो इस समूह में दो से गुना किए हैं, दो यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए इसमें इस यानी कि इस समूह से क्यों गुना किया, हम इस समूह से नहीं गुना किए, बल्कि इस समूह से गुना किए थे, इस पर हम दो दे देंगे, तो ये हमारा बराबर संतुलित समीकरण हो गया, और ये हमारा जो है समीकरण बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बना सकते हो, अगर आपको आता है तो ये इतना जो किए हम, ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आप माइंड से बना सकते हो, ये इतना है, इतना घटा करके गुना करके आप बना सकते हो माइंड से, नहीं तो आप हाथ पर लिख के कॉपी पर बना सकते हो। चलिए चौथे समीकरण को लेकर चलते हैं, समीकरण फोर। अब देखिए दोस्तों ये समीकरण फोर है, यहाँ पर लिखने के लिए मैं भूल गया हूँ, आपको बारीकी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा हार्ड लिए हैं, एफ ई प्लस एच टू ओ एरो एफ ई थ्री ओ फोर, और उसके बाद प्लस एच टू ओ एच टू, है ना फ्रेंड्स, ये लोहा है हाइड्रोजन, है ना, और ये लोहा और हाइड्रोजन चार है। इस तरीके से मैं आपको इसको संतुलित समीकरण करूँगा। पहले आप जानते होंगे ये जो थोड़ा सा हार्ड है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, आपको लगभग में आ चुका होगा, जिसको नहीं आए तो ध्यान से देखें। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है वो हमारा एल एच एस है ना, ये हमारा क्या एल एच एस है, और ये हमारा क्या है आर एच एस है, यानी कि राइट हैंड साइड है। अब देखिए इसको पहले हम मान रखेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे। देखिए एफ ई जो है, ये जो है एक समूह में है, तो एफ हमारा कितना है, एफ ई, इसको मानिए एफ ई, यानी कि एफ ई मतलब लोहा ही होता है, तो ये देखिए एफ ई हमारा वन है, और हाइड्रोजन अलग है, तो हाइड्रोजन कितना हमारा है, ये दो है, और ऑक्सीजन कितना हमारा, ऑक्सीजन वन है, तो एफ ई तो एक समूह में है तो इसको अलग कर देंगे, हाइड्रोजन भी एक समूह में है तो इसको हम अलग कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही समूह में है, तो हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन वन। अब देखिए राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं, तो एफ ई कितना हमारा, एफ ई तीन है, ये देखिए एफ ई कितना तीन है, और ये जो समूह है ये एक समूह है, ऑक्सीजन कितना हमारा, ऑक्सीजन भी चार है, ये देखिए ऑक्सीजन चार है, तो ये एक समूह है, इसको एक समूह में मिला देंगे। अब चलते हैं हाइड्रोजन की ओर, हाइड्रोजन हमारा कितना है, दो है, तो ये भी अलग समूह है, यानी कि अलग समूह है ना, तो ये देखिए ये समूह हमारा बन चुका है, ये समूह भी हमारा बन चुका है, और ये दोनों हमारा अलग है। अब दोस्तों देखिए मैच करिए, एफ ई लोहा यहाँ पर कितना है, वन है, और यहाँ पर एफ ई कितना है, थ्री है, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर आपको थ्री होना चाहिए तब बराबर होगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हमारा, दो है, और इधर हाइड्रोजन दो है, यहाँ बराबर हो चुका है, ऑक्सीजन वन है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, चार है, यानी कि यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर तीन और चार है, यहीं पर हमको जो है कन्फ्यूजन हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको तीन से गुना कर देना पड़ेगा, तो तीन इकाई तीन हो जाएगा, है ना, तीन इकाई तीन। अब देखिए एफ ई कितना तीन है, एफ ई तीन मिल गया,
हाइड्रोजन हमारा दो दो मिल गया, ऑक्सीजन वन है, यहाँ पर ऑक्सीजन चार है, यहाँ पर आपको मैच करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ये हमारा ऑक्सीजन वन है, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, तो इसको जो है सिंपली से चार से गुना कर देना है। तो ये देखिए चार से हम गुना करें तो ऑक्सीजन के लिए नहीं बल्कि हाइड्रोजन को भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक ही समूह में था, तो हाइड्रोजन चार दूना आठ, हाइड्रोजन भी गुना हो जाएगा और चार एक आई चार। तो ये देखिए, अब देखिए एफ ई तीन हो गया, इधर भी तीन, ये दोनों मैच कर गया, ऑक्सीजन चार और इधर चार, ये दोनों मैच कर दिया, और देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर आठ हो गया और यहाँ पर दो, यहाँ पर गड़बड़ा गया, तो यहाँ पर आप चार से गुना कर दीजिए, चार दूना आठ हो जाएगा। अब पूरी तरीके से मैच हो गया, देखिए एफ ई कितना हमारा यहाँ पर तीन है, ये भी तीन है, मिल गया, हाइड्रोजन कितना हमारा आठ है, यहाँ भी आठ है, ऑक्सीजन चार और ऑक्सीजन चार, ये मैच हो गया। अब आपको मान रखना है कि कहाँ पर आपने गुना किए हैं, कौन सा ग्रुप में गुना किए हैं। तो देखिए एफ ई में कितने से गुना किए, तीन से गुना किए, यहाँ पर तीन लिख दीजिए, है ना, साफ से दिखेगा आपको, यहाँ पर तीन लिख दीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, तीन दे दिए। उसके बाद देखिए ये जो है एच टू ओ, जल, जल में हमने कितना गुना किए, चार से गुना किए, यहाँ पर आप जो है सिंपली तरीके से चार लिख दीजिए। अब चार लिखने के बाद देखिए एफ ई थ्री ओ फोर, इसमें जो है एक भी मान नहीं रखें, ये जो है कट गया, जैसा दरअसल गलती हो गया था, है ना, इस पर एक भी मान नहीं है रखा, क्योंकि ये हमारा बराबर सिंपली तरीके से हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन हमारा कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर चार आठ है ना, तो इधर भी आठ था, इधर भी आठ था, तो इससे जो हम गुना किए, चार से गुना किए, यहाँ पर चार लिख देंगे, आप लोग कन्फ्यूज ना होना, चार गुना करेंगे, ठीक है। और ये हमारा समीकरण जो है बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से कंप्लीट हो चुका हो दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये चार समीकरण जो है मैंने आपको एग्जांपल करके बताए हैं, आई होप ये चार समीकरण आपको समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों आप घबराए नहीं, ये जो है थोड़ा सा हल्का हल्का है, लेकिन अगर मैं पाठ टू वीडियो लाऊं तो उसमें जो है थोड़ा सा जो है हार्ड रहेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के भी लायक होंगे, जो एलेवेंथ हो या ट्वेल्थ हो या टेंथ हो, सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अब मैं आपको सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से नहीं रोकूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है और आपको हेल्पफुल लगा है, सब्सक्राइब करिए, सब चीज़ कीजिए, और एक बात और, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी, घंटा को भी दबा कर रखें, ताकि जब भी मैं अपडेट्स वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा प्यार दीजिए दोस्तों, ताकि मैं अगली वीडियो लाने में सहमत हो सकूं।